आइजक पागल आदमी होता है जो बहुत हल्ला करता था, और जब डॉक्टर उसे चुप कराने आते थे तो वह चुप नहीं होता था, इसलिए डॉक्टर उसे डंडे से मारते थे और चले जाते थे। और अगले दिन ये आदमी फिर से चिल्लाता, डॉक्टर आते और उसे फिर से पीट कर चले जाते थे। डॉक्टर इसे ऐसे ही पीटा करते थे, लेकिन एक दिन डॉक्टर इसके शोर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इसके सर पे बहुत जोर से मार कर चले जाते हैं, इसकी वजह से ये आदमी और भी ज्यादा पागल हो जाता है। और जब अगले दिन डॉक्टर इसके पास आते हैं तो यह पागल आदमी पेपर पढ़ रहा होता है, और डॉक्टर यह देखकर हैरान हो जाते हैं, और डॉक्टर इसके पास आते हैं और इसके पास डंडा रखकर पेपर में देखने लगते हैं। लेकिन इसके बाद पागल आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसे देख करके तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आप भी अपनी मम्मी से बेहद प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों यह कोई कसम नहीं है, देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं, बस एक क्लिक ही तो करना है, प्लीज कर देना। और उसके बाद वह पागल आदमी डंडे को उठाकर उस डॉक्टर को मारने लगता है। दोस्तों इस पागल आदमी ने सही किया गलत कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक ऐसी मशीन जो लोगों का ब्लड सैंपल लेकर के बताती है कि उसकी मौत कैसे होगी। औरत को ये मशीन काफी पसंद आती है। उसकी मौत कैसे होगी यह पता करने के लिए वह मशीन में एक कॉइन डालती है। उस मशीन में एक जगह थी जहां उसे उंगली डालनी थी। औरत जब मशीन में अपनी उंगली डालती है तो वह मशीन उस औरत की उंगली से ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेती है। प्रोसेसिंग के बाद उस मशीन से एक कॉर्ड निकलता है जिस पर ओल्ड एज लिखा था, यानी कि वह बूढ़ी होने पर मरेगी। यह पढ़कर वह बहुत खुश होती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन वह एक रोड क्रॉस कर रही होती है तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है, और वह कार एक ओल्ड एज आदमी चला रहा था, मतलब वह मशीन राइट थी। जब कोई जहरीला सांप काटता है तो आपके शरीर में क्या होता है? सबसे पहले जब सांप अपने दोनों ऊपरी नुकीली दांतों से आपके शरीर में काटता है तो हल्का सा शार्क पैन होता है, क्योंकि आपके ब्लड स्ट्रीम में अपना जहर इंजेक्ट करता है। अगर सांप को काटते ही आपको तुरंत चक्कर या गर्मी आने लगता है तो वो सांप के जहर के कारण नहीं होता, बल्कि उस समय आप एकदम से डर जाते हैं इसलिए होता है। और फिर ऐसे समय में आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है जिससे सांप का जहर आपके शरीर में और तेजी से फैलने लगता है। फिर 2 घंटे के बाद जब सांप का जहर इंसान के लीवर किडनी और हार्ट से होते हुए उनके पूरे बॉडी में फैल जाता है तो वो इंसान धीरे धीरे बोलने और देखने की क्षमता को खोने लगता है। अगर किसी को सांप काट लेता है तो कुछ गलत होने से पहले आपको सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। आज एक टिकटॉक को एक वीडियो में दिखाया जाता है कि हम एक अंडे को कोका कोला में डुबाकर 24 घंटे तक छोड़ दे तो ये अंडा पूरी तरह से जेली में बदल जाता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे और इस लड़कों को यकीन नहीं हुआ भाई ने ये वीडियो रियल है या फिर फेक। उसे चेक करने के लिए अपना सारा सेटअप करने लगता है, एक गिलास में अंडे को रखकर उसमें कोका कोला भरने लगता है। तो गाइस वीडियो में काफी मजा आने वाला है, ये वीडियो को स्किप करने का गलती बिल्कुल मत करना। तो गाइस हम इस अंडे को कोका कोला में डुबाकर 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, और जब 24 घंटे बीत जाने के बाद वो चेक करने आता है कि क्या अंडा जेली में बदला है या फिर नहीं। लेकिन गाइज उसे देखने से पहले अगर आप इस तिरंगो को दिल से सम्मान देना चाहते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप किसी अदर कंट्री से हैं तो भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने कंट्री का नाम जरूर लिख दीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि हमारी यूट्यूब फैमिली कहां कहां तक की है। सो जल्दी तो गाइज अंडा पूरी तरह से जेली में बदल गया होता है। सो दिस इज रियल वीडियो। आज देखिए कि आप डूबने से कैसे बच सकते हैं। हर साल लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग डूब कर मर जाते हैं, इसलिए आपको स्टेप पता होना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं पानी वाले इलाके में गए हुए हैं और किसी रीजन से आप उसमें गिर जाते हैं, उस समय आप पानी में जितना ज्यादा स्ट्रगल करेंगे आपके डूबने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। जब आप पानी के अंदर घबराते हैं तो आपके अंदर जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन बचा होता है आप उसको वेस्ट कर देते हैं। इसलिए आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि हालात चाहे कोई भी हो आपको घबराना नहीं है। अगर आप तैरना नहीं जानते हैं तो पानी में हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं, इसके बजाय थोड़ा सा फिजिक्स का यूज करके आप खुद को बचा सकते हैं, जिसको करना एकदम सिंपल है। डूबते वक्त अपने आप को पानी को बॉटन में जाने दीजिए। जब आप बॉटन तक पहुंच जाए तब आप बॉटन को अपने पैर से तेजी से हिट कीजिए, जिससे फिजिक्स आपको सरफेस तक लाने में हेल्प करेगा। ऊपर आते ही आप जितना ज्यादा हवा अपने अंदर भर सकते हैं उतना भर लीजिए, और ऐसा तब तक रिपीट करिए जब तक आपको कोई देख ना ले या फिर आप किनारे तक पहुँच ना जाए। आज देखिए कि बिना पैराशूट के नीचे गिरने पर कैसे बच सकते हैं। मान लीजिए आप किसी प्लेन से यात्रा कर रहे होते हैं और उसमें खराबी आ जाती है जिससे उसमें से कूदने की नौबत आ जाती है और प्लेन में कोई पैराशूट नहीं है, या जो पैराशूट है वो कूदते वक्त खराब हो जाता है जिससे आप बिना पैराशूट के नीचे गिरने लगते हैं, तो सबसे पहले हाइपर वेंटिलेटिंग से बचने के लिए सांस लेने की स्पीड को धीरे कर लीजिए जिससे आप बेहोश होने से बचे रहेंगे। फिर अपने शरीर को एक्स के शेप में कर लीजिए जिससे गैर रेजिस्टिंग के कारण आपकी गिरने की स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगी, इससे आपको
थोड़ा सोचने का समय मिलेगा कि आपको लैंड कहाँ करना है। और हाँ, पानी में लैंड नहीं करना है, क्योंकि पानी में गिरना चट्टान के गिरने के बराबर होता है। लैंड करने के लिए सबसे सुरक्षित ऑप्शन दलदली जमीन, घास का ढेर या फिर पेड़ों की घनी टहनियाँ हो सकती है, क्योंकि ये सभी आपके नीचे गिरने की स्पीड को कम कर देगी और आप अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे, जिससे आपको कम से कम चोटें आएंगी।